अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह व्हाट्सएप पर अपनी ही तस्वीर का स्टिकर बनाया जाता है और सेंड किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेमो दिखाऊँगा कि किस तरह ये होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने एक फ्रेंड को स्टिकर सेंड किया है जो कि ये मैंने खुद बनाया है, शाहरुखान का बनाया है, और दूसरा भी मैंने शाहरुखान का बनाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का व्हाट्सएप अपडेट होना चाहिए। अपडेटेड में ये है कि आप लोगों को ये इमोजी का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, जो कि नीचे थर्ड नंबर ऑप्शन स्टिकर भी आपको यहाँ पर मिलेगा अगर आपका व्हाट्सएप अपडेटेड है। तो फ्रेंड्स, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दो ऐप्स रिक्वायरमेंट है। इन दोनों का ऐप्स का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों ने वहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, एक ऐप पर्सन स्टिकर पर व्हाट्सएप है, दूसरा है कटकट। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस कटकट को ओपन करना है और यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है, कट आउट पर। कट आउट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने किसी भी तस्वीर को सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर शाहरुखान का तस्वीर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप शाहरुखान का तस्वीर सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी तस्वीर का पोजीशन सेलेक्ट करेगा। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये खुद बहुत ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने नीचे पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपका तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो फिर इसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने इसका पोजीशन सेट करना है, आप लोगों ने इसको खुद सेट करना है। तो ये इस तरह ये पोजीशन अब सेट है। इसके बाद आप लोगों ने बैकग्राउंड के टिक मार्क पर क्लिक करना है, सबसे नीचे ऑप्शन है आपके राइट साइड पर। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने सेव पर क्लिक करना है। तो ये आपके गैलरी पर सेव हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इस ऐप को आप लोगों ने ओपन करना है, पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप, इसको आप लोगों ने ओपन करना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने आपके राइट साइड पर नीचे प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करना है। और फिर इसके बाद आप लोगों को एक गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। और फिर इसके बाद दोस्तों, आपने जो तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव किया है आप लोगों ने इसको ऐड करना है यहाँ पर। और आप लोगों ने तीन चार स्टेकर और भी ऐड करने होंगे, क्योंकि ये तीन चार स्टेकर से कम नहीं होना चाहिए, तब ये आपके पास सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आप लोगों ने आपके राइट साइड पर सबसे ऊपर ऑप्शन है टिक मार्क, अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते तो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो ये स्टिकर पैक 3 है, आप इसका नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो आपके राइट साइड पर सबसे ऊपर टिक मार्क को आप लोगों ने क्लिक करना है, तो ये आपके व्हाट्सएप पर सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वुड यू लाइक टू ऐड स्टिकर पैक 3 टू व्हाट्सएप, तो आप लोगों ने ऐड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, अब आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है और इसके बाद आप लोगों ने इस इमोजी ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मैसेज इनबॉक्स के साथ होता है ये, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो ग्रीन का डॉट मुझे दिया गया है, तो ये अभी अभी मैंने ऐड किया है। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, ये वाला, और ये तीन स्टिकर मैंने इजाफे में ऐड किए थे। तो ये आप सेंड कर सकते हो और बहुत आसानी से ये आप लोग देख सकते हो, ये मैंने सेंड किया, दोबारा भी सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी तरह आप अपनी ही तस्वीर का स्टिकर बना सकते हो बहुत आसानी से और किसी भी फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हो और उसको हैरान कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। मज़ीद इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।